यंग कैडेट्स, मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर हारून इम्तियाज़ है। मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम आर्मी गुडविल स्कूल पोठा है। मैं फर्स्ट जॉइंट कैवेलरी बैटरी एनसीसी पुंछ यूनिट से हूँ और मेरी डायरेक्टरेट का नाम जम्मू एंड कश्मीर है। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि अभी आप सब जानते हैं कि अभी हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस। इस वायरस से अगर अभी हम देखें तो अभी तक इंडिया में तो जो डेथ है वो कम से कम अभी तो 78 हुई है, लेकिन इसके बढ़ने के भी चांसेस बहुत हैं। और ये वायरस जो है ये चाइना कंट्री से आया था और इस वायरस को हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। कोविड-19 का मतलब है चाइनीज ओरिजिनेटेड वायरस इन December 19। इस वायरस ने अपनी चपेट में बहुत सारी कंट्रियां ले ली हैं। अगर हम बात करें US की, वहाँ पे 5,133 लोगों की डेथ हो चुकी है। इटली में 13,155 लोगों की डेथ हो चुकी है और जिस कंट्री से ये वायरस आया है चाइना, वहाँ पे 3,318 लोगों की डेथ हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस वायरस की इंडिया में, तो अभी तक इंडिया में इस वायरस की बहुत ही कम जो मतलब मुहिम है वो चल रही है, बहुत ही कम डेथ्स हो चुकी हैं इसकी मतलब इंडिया में। लेकिन जो डेथ हो चुकी है हमें उनको भी कट करना है, हमें इस वायरस को ख़त्म करना है। उस वायरस को ख़त्म करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने एक मुहिम भी चलाई है, स्टे होम एंड सेव ओवर लाइव्स, मतलब घर पर रहो और अपनी ज़िंदगी को बचाओ। और हमें इतना ही करना है कि हमें घर पर रहना है। अब ये नहीं कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो इस वायरस के जो चांसेस हैं हमें भी हो सकते हैं। इस वायरस के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि खांसी होना और गले में खराश आना, बुखार हो जाना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ये इसके सिम्टम्स हैं। और इससे अगर हम बचाव की अगर बात करें तो अपने कहावत तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज़ बेहतर है। हमें परहेज़ करना है, जैसे कि हमें सुबह उठ के रोज़ाना 20 मिनट के हर 20 मिनट के बाद हमें हाथ धोने, अगर हम हाथ नहीं धो सकते एक 10 रुपये का सैनिटाइजर तो हम अपने पास रख ही सकते हैं, उस सैनिटाइजर से हमें अपने हाथ धोने। और उसके बाद हमें रोज़ाना सुबह गर्म पानी पीना है, हमें फ्रिज की चीज़ों जो होती है ठंडी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है और हम जितना चाहें इससे दूर रह सकते हैं। तो मेरी आप सब मेरे फ्रेंड से यही गुजारिश है कि प्लीज़ स्टे होम एंड सेव ओवर लाइफ। थैंक यू, जय हिंद, जय माता।